अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी, आप देख रहे हैं एसएन किंग टेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस नाइन और वन प्लस नाइन प्रो की सेकंड हैंड प्राइस बताऊंगा और इनका क्विक रिव्यू भी करेंगे। और ये जब लॉन्च हुए थे तो इनका जो प्राइस है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी ये आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन प्लस नाइन की, और इसका हमारे पास लोअर वेरिएंट है 8/128 वाला। इसमें आपको 12GB 256GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। मेन स्पेस की अगर बात करें तो बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 MP का मेन सेंसर है और 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। और इसकी फ्रंट पर 16 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी फ्रंट और बैक पर आपको ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का बनाया गया है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी ज़्यादा शो नहीं होते। और काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है क्योंकि इसमें 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है और ये 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 15W की आप इसमें वायरलेस चार्जिंग भी कर पाओगे। और ये स्नैपड्रैगन 888 काफ़ी पावरफुल और गेमिंग प्रोसेसर पर आता है। इसके अलावा सिम सिचुएशन की अगर बात करें तो डुअल सिम आप इसमें इस्तेमाल कर पाओगे, SD कार्ड की ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलती है। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फीचर्स और क्वालिटी को, और यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉर्मल, जूम और अल्ट्रा वाइड की ऑप्शन मिल जाती है। और ये जो जूम है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई जूम लेंस नहीं लगाया गया है। और यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, स्लोमो, नाइट मोड और डुअल व्यू वीडियो की ऑप्शन मिलती है। और अब अगर हम देखें इसकी वीडियो की रिकॉर्ड सेटिंग को, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 8K की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट है वो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर आपको 4K 60fps की ऑप्शन भी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आप 4K 30fps तक ऑन कर पाओगे, और वीडियो में भी आपको नाइट मोड की ऑप्शन मिल जाती है। और फ्रंट कैमरा में भी स्टेबलाइजेशन मौजूद है। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये इस वक्त आपको PTA अप्रूव 10x10 कंडीशन में 6 महीने वारंटी में कम्प्लीट सामान के साथ 80,000 का मिल जाएगा। और जब ये डिवाइस लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में, इसकी जो प्राइस थी वो PTA अप्रूवल के साथ तकरीबन 1.5 लाख थी। और अब हम बात कर लेते हैं वन प्लस नाइन प्रो की, और वन प्लस नाइन और वन प्लस नाइन में जो स्पेक्स का फ़र्क है वो काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से आप वन प्लस नाइन ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि इनकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रखा गया है। और डिस्प्ले आपको दोनों में ही सुपर एमोलेड मिलते हैं 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन इसमें आपको डिस्प्ले साइज़ 6.7 इंचेस का मिल रहा है, जबकि वन प्लस नाइन में 6.5 इंचेस रखा गया है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 888 के चिपसेट मिलते हैं और यहाँ पर भी 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसकी बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया है जिसमें एक जूम लेंस भी मौजूद है, तो बस यही फ़र्क है स्क्रीन साइज़ और एक जूम लेंस का। और जूम लेंस भी आपको सिर्फ 3.3x तक ऑप्टिकल जूम देता है, तो उसका भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसकी फ्रंट और बैक पर भी आपको ग्लास देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो फ़र्क है वो इसके फ्रेम का है, यहाँ पर फ्रेम अल्मोनियम का दिया गया है। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फ़ीचर्स और क्वालिटी को, और यहाँ पर भी आपको फ़ीचर्स बिल्कुल सेम ही देखने को मिल रहे हैं जो वन प्लस नाइन में दिए गए हैं, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी आपको दोनों में सेम ही देखने को मिलती है। और प्राइसिंग के हवाले से अभी आपको 10x10 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ PTA अप्रूव 90,000 का मिलेगा, और ये इसका 12GB 256GB वाला वेरिएंट है और पाकिस्तान में ये ऑफिशियली नहीं आते, तो ये आपको पैच अप्रूव देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।